प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीसी के जरिए छत्तीसगढ़ की दूसरी रायपुर दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है। दुर्ग से विशाखापट्टनम तक कुल 565 किलोमीटर की यात्रा करीब 8 घंटे में तय होगी। आधुनिक तकनीकों और सुविधाओं से लैस ट्रेन छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरेगी, जिससे चिकित्सा, शिक्षा, व्यापार समेत अनेक दृष्टिकोण से लाभ होगा। 20 सितम्बर से दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस अपने नियमित समय सारणी के अनुसार चलेगी और इस मौके पर राज्यपाल रामेंडेका और सांसद तोखन साहू, ब्रजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल और विधायक मोतीलाल साहू, राजेश मूढ़त समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वंदे भारत ट्रेन को, 5 नए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी और राजधानी रायपुर में भी इस वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होगी जो दुर्ग से विशाखापट्टनम तक चलेगी और इसकी शुरुआत में देख सकते हैं हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं इस वंदे भारत ट्रेन को। और इसमें मुख्य रूप से जो इस कार्यक्रम में जो जनप्रतिनिधि है वो मौजूद है और देख सकते हैं जो वंदे भारत ट्रेन है यहाँ से रवाना हो रही है। और वंदे भारत ट्रेन की खासियत यह है कि यह ट्रेन अभी तक जो दुर्ग से विशाखापट्टनम 565 किलोमीटर की दूरी है वो अभी तक 12 से 15 घंटे में जो तय की जा रही है, लेकिन वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने से यह दूरी मात्र 5 घंटे में तय कर ली जाएगी। और इस ट्रेन की खासियत यह है कि ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और इनकी स्टॉपेज दुर्ग से लेकर विशाखापट्टनम तक की बात करें तो महज 4 से 5 स्टॉपेज ही है इनके लिए तय किए गए हैं। और ये रायपुर, विजयनगरम सहित कुछ ही जगहों पर स्टॉपेज होगी। तो इस तरह से इस वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो गई है और इसकी शुरुआत जो देश भर में की गई है, 5 नए और वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ से यह दूसरी ट्रेन है, एक पहली वंदे भारत ट्रेन जो दुर्ग से बिलासपुर चलती है तो यह दूसरी वंदे भारत ट्रेन है जो दुर्ग से विशाखापट्टनम तक चलेगी। इससे निश्चित तौर पर जो छत्तीसगढ़ वासी है उन्हें एक नई सौगात मिलने जा रही है और जो समय लगता था, जो टाइमिंग लगता था, जो 15 घंटे जो समय लगता था उसमें काफी बचत होगी। और क्योंकि इनका स्टॉपेज कम है और स्पीड ज्यादा है इसलिए इस वंदे भारत ट्रेन को पहुंचने में मात्र 8 घंटे लगेगी। इससे जो विशाखापट्टनम क्योंकि बंदरगाह भी है उसे व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इसका लाभ मिलेगा। इस तरह से छत्तीसगढ़ से आज इसकी शुरुआत हो गई है और ये नियमित रूप से फिर 20 सितंबर से छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं देंगी। और देख सकते हैं कि ये पूरी 20 कोचेज है इसमें और सभी कोचेस वातानुकूलित है, सभी में एसी लगे हुए हैं। और आज जो शुरुआत हुई है देख सकते हैं इसका विशेषता यह है कि इस ट्रेन की बहुत सारी खासियत है और उन तमाम खासियतों के बारे में बात करें तो इसमें यह पूरी तरह सील बैंड फ्लेक्सिबल गैंगवे वाले हैं, मॉड्यूलर इंटीरियर है इसमें और जो इनके दरवाजे हैं वो ऑटोमेटिक है। और मुख्य रूप से ये जो वंदे भारत ट्रेन है इसकी शुरुआत होने से निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लोगों को एक नई सौगात मिल रही है। इस तरह से अब यह नियमित रूप से चलेगी, निश्चित तौर से छत्तीसगढ़ के लोगों को एक नई सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है और दूसरी वंदे भारत ट्रेन है जो छत्तीसगढ़ से चल रही है। कैमरा पर्सन सूर्यकांत के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।